हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नुसरत जहां फैशन एंड लाइफस्टाइल। और मैं हूं नुसरत। गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो गाइस, आज मेरे वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं टॉपिक पर वीडियो बनाने वाली हूं। जैसा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उनका फेस बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाता है, केकी नजर आने लगता है, और उनके पास इतना नहीं होता है कि वो बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड चीजें, फाउंडेशन ले और बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड सीरम ले, जिससे कि उनका फेस में केकी नजर ना आए, उनका फाउंडेशन ब्लैक ना दिखे। तो गाइज, मैं आज आप लोग को बताने वाली हूं कि ऐसी क्या चीज यूज करें फाउंडेशन के पहले। अगर आप फाउंडेशन, बहुत जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा ब्रांड का यूज करें, बड़े ब्रांड जैसे मैक वैक का होता है तो जरूरी नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपका फाउंडेशन ना केकी पड़े, आपका फेस ब्लैक ना नजर आए फाउंडेशन लगाने के लिए, तो मैं आज आप लोग के साथ बहुत ही अच्छी चीज शेयर कर रही हूं। आप इसको लगाएंगे तो आपका फेस बहुत ही ग्लो करेगा और आपका फाउंडेशन बिल्कुल भी केकी नजर नहीं आएगा और बहुत ही ज्यादा शाइनिंग नजर आएगा। तो गाइज, वो चीज क्या है तो मैं आपको इस नुस्खे में बताने वाली हूं। तो गाइज, इसको जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट माई वीडियो। सो गाइस, मैं जिसकी बात कर रही हूं, एक सीरम की बात कर रही हूं। सीरम हमें मार्केट में भी मिल जाता है, जो कि आपको कम से कम, अगर आप अच्छा सीरम लेंगे तो आपको 500 से कम के स्टार्टिंग में वो नहीं मिलेगा। तो अगर बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सीरम में बेवजह सीरम में पैसा डालना नहीं चाहते, वो डायरेक्ट अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं, तो जब आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होगी या फिर ऑयली होगी, क्योंकि हर अलग अलग स्किन के अकॉर्डिंग सीरम आता है, फाउंडेशन आता है, तो वो मतलब फाउंडेशन ब्लैक हो जाएगा और आपकी स्किन केकी, आपका फाउंडेशन केकी नजर आने लगेगा। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप किन घरेलू नुस्खे के थ्रू आप उससे सीरम रेडी करें और उसके बाद अपने फेस पर आप फाउंडेशन अप्लाई करें। अगर कहीं पार्टी में जाते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्लो नजर आएगा और आपका फेस भी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस नजर आएगा। तो उसको क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दूध लेना है, यानी मिल्क लेना है। और गाइज, मैं आपको बता दूं, आपको यहां पर कच्चा दूध लेना है, आपको ज्यादा नहीं, कम से कम बस 1 टेबल स्पून आपको इतना सिर्फ इसमें मिल्क लेना है बस। और इसमें ऐड करना है विटामिन ई के कैप्सूल, जो कि इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने एक लिया विटामिन ई का कैप्सूल और इसको मैं थोड़ा सा कट कर लूंगी। और गाइज, इस कैप्सूल को पूरे, इस जो मैंने मिल्क लिया है इसमें पूरा डाल देना है 1 टेबल स्पून में, 1 टेबल स्पून मिल्क में आपको ये एक कैप्सूल पूरा डाल देना है इस तरीके से, और फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ना, ये आपका बहुत ही अच्छा सीरम रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा आपके फेस पे स्किन, आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट कर देगा। आप अगर फाउंडेशन अप्लाई करेंगे इसको लगाने के बाद तो आपकी, आपका फाउंडेशन, आपका फेस बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस नजर आएगा। तो गाइज, आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे मैंने इसको मिक्स कर लिया और अपने फिंगर के थ्रू आपको अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। बहुत ही सिंपल वे में मैं बताऊंगी ताकि हर कोई इसे कर सके। बहुत ज्यादा मैं घुमाकर वीडियो नहीं बनाती हूं, जैसे किसी किसी को लगे कि हाँ बहुत हार्ड है, इतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए गाइज मैं बहुत ही इजी वे में बताती हूँ क्योंकि हर कोई इसे अपना सके। फिर होंगे गाइज कि जिसे हम फेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वाकई में कितना शाइन नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें मैंने जो डाला हुआ विटामिन ई कैप्सूल, तो ये हमारे फेस को एक ग्लो दे रहा है। और इसको ड्राई होने तक इसको छोड़ देना है, ठीक है, जैसे जब तक ये ड्राई नहीं होता है इसको अपने फेस पर लगा रहने देना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राई हो चुका है, यानी कि मुझे ड्राई करने में इसको 30 सेकेंड लगा, मैंने फैन ऑन कर लिया था और 30 सेकेंड में मेरा ये ड्राई हो गया। और इसको आपको अपने फेस पर रहने देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेना है फाउंडेशन। फाउंडेशन आप जिस भी ब्रांड का लेते हैं वो ले सकते हैं। यहां पर लिया है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन और इसको मैं 2 to 3 drops लूंगी इस तरीके से, और इसको अपने फेस पर अप्लाई करूंगी इसी के ऊपर इस तरीके से। और अब लेना है आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, बाद आपको इस तरीके से इसको स्प्रेड करना है।
लाइक दिस। इस तरीके से आपको अपने पूरे फेस पर डैप मोशन में इसको स्प्रेड कर लेना है। मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है, और इसमें मैंने कोई भी मार्केट का सीरम यूज नहीं किया। आपने देखा मैंने आपके सामने कच्चा दूध और उसमें विटामिन ई का कैप्सूल डाला है, और उसको अपने सीरम के उसको उसका सीरम बना लिया और उसको सीरम की तरह अपने फेस पर अप्लाई कर लिया और उसको ड्राई होने दिया। उसके बाद मैंने इस फाउंडेशन को इस तरीके से लगा लिया है कि मेरा फेस कितना ग्लो कर रहा है। और मुझे भी ये चीज बहुत पसंद आती है क्योंकि ये एकदम नेचुरल फेस भी लगता है। ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा के रखा है या आपका ओवर फेस लग रहा है। क्योंकि अगर आप ये घरेलू सीरम यूज करेंगे तो आपकी स्किन एकदम लाइट नजर आएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे लोग मार्केट की हर चीजें यूज करते हैं तो ऐसा लगता है एकदम लेयर बना के मेकअप कर रखा है, तो वो बहुत ही ज्यादा ओवर लगता है। वो हम डेली में यूज नहीं कर सकते या हम कहीं जाने आने में यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वो ब्राइडल के ऊपर अच्छा लगता है या फिर किसी मैरिज वगैरह में जा रहे हैं तो कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया, जो कि मैंने आपको लाइव डेमो करके अपने फेस पर दिखाया और मुझे भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट नजर आया। तो गाइज, आप अगर किसी भी स्किन से हैं, आपके अगर लाइट स्किन हो या डार्क स्किन हो या फिर आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, किसी भी स्किन वाले को ये सूट करेगा। कोई भी स्किन वाले से ट्राई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कहीं घूमने जाना है या आपको पार्टी में जाना है या किसी छोटे मोटे फंक्शन में जाना है तो आपको इस सीरम को लगाना है। और इस सीरम को लगाने के बाद आप जो भी फाउंडेशन यूज करते हैं उस फाउंडेशन को अपने ऊपर लगा के अपने फेस पर देखिए, इसका इंस्टेंटली रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। जैसे ही आप फाउंडेशन लगाएंगे तो आपका फेस एकदम ग्लो करने लगेगा, एकदम जो मार्केट के जो सीरम आते ना 500,000 तक के, उसको भी ये फेल करने वाला है। तो गाइज, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो गाइज, आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज, खुश रहिए। Oh, 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 o